माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र गांव दादनपुर की डिंपल मीना मूक बधिर के साथ जो घटना हुई, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक महीना से ज़्यादा का प्रकरण है और एक महीने से इसमें कई जगह हिंडोन में, करौली जिला हेडक्वार्टर पर सब जगह धरना प्रदर्शन दिया गया, पर सरकार की तरफ से इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जयपुर में भी शहीद स्मारक पर इसमें उनके परिवारजनों के और आदिवासी लोगों के द्वारा कई बार धरने दिए गए। बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उसको अपने नीचे से जलाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर जलता है तो उसके हाथ जलते, ऊपर के हिस्से जलते, बात जलते हैं। तो इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो लोग इसमें लिप्त है, दोषी है, उनको पकड़ के और उसको बांध कर जलाया गया है। बच्ची के जो गुप्तांग है और नीचे का जो स्थान है, पूरी तरह से जला दिया गया है। पुलिस के बयान जो आ रहे हैं, वो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। 3 बार पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है। एक बार उनने कहा है कि बच्ची तेजाब से जली है। दूसरी बार प्रेस नोट जारी किया गया है कि वो पेट्रोल से जली गई है। और तीसरी बार आईजी का जो प्रेस नोट आया है, उसमें कहा गया है कि बच्ची की जहर देने से मृत्यु हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा और आपके माध्यम से सरकार से ये चाहता हूँ कि इस मामले में डिंपल मीना को न्याय मिले और CBI से जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने वहाँ करौली में बहुत सारे हजारों लोगों ने धरना दिया और कहा कि जिला कलेक्टर ने सरकार को ये लिखित में भी दिया है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। सरकार को एक क्या परेशानी है इसको CBI की जांच कराने में? एक आदिवासी बच्ची जो मूक बधिर है, बोल सकती नहीं, सुन सकती नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार को कौन सी परेशानी है कि इस मामले में CBI की जांच नहीं कराई जा रही है? आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? इस सरकार को इतनी ईर्ष्या क्यों है? आदिवासियों के कोई प्रकरण का मामला हो, चाहे आप किसी और प्रकरण में भी देख लो, आप आदिवासियों के बच्चों को बोला गया, उसको एक्सपेंस किया गया। सरकार इस मामले में बोलने को तैयार, गलत बोल रहे हैं आप, ऐसी गलत बोल रहे हैं आप। ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदार कमेंट मत करिए अपनी, कि जैसे मनीष यादव ने किया था। मनीष यादव, ये हैराना मना है। श्री मनीष यादव, अध्यक्ष महोदय, हो गया विषय आपका। मुझे